अब बात करते हैं शाजापुर की, जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बेटियों के दुश्मन उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां कुछ दबंगों ने दलित समाज की नाबालिग लड़की को स्कूल जाने से रोका। इस बात को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मामला शाजापुर जिले के बाबलिया खेड़ी गांव का है, जहां 16 वर्षीय छात्रा को स्कूल जाने से रोका गया। इस बात पर दो पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां भांजी। वहां मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो भी बनाया है। छात्रा के परिवार के 5 लोग घायल हुए हैं, जो जिला अस्पताल में भर्ती हैं। उधर आरोपी फरार है। छात्रा लक्ष्मी मेवाड़ उम्र 16 वर्ष ने बताया कि गांव के कुछ लोग उसके स्कूल जाने से खुश नहीं हैं। वे उसे स्कूल जाने से मना करते हैं। उसने बताया कि जब मैं स्कूल से लौट रही थी तो गांव के ही माखन कुंदन और धर्मेंद्र सिंह ने मेरा रास्ता रोक लिया। उन्होंने कहा, हमारे गाँव में लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती हैं, तुम भी नहीं जाओगी। यह बात मेरे भाई ने सुनी तो उसने विरोध करते हुए कहा कि मेरी बहन तो पढ़ने जाएगी। इस बात को लेकर उन्होंने भाई से विवाद शुरू कर दिया। परिवार के लोगों ने उन्हें अलग किया। कुछ देर बाद उन्होंने फिर से लाठी डंडे से हमला बोल दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे चलने लगे। विवाद में 55 साल के नारायण मेवाड़, 50 साल की अंतरबाई, 25 साल के लखन परिहार, 27 साल के कमल मेवाड़ और 16 साल के सचिन को चोट आई है। कोतवाली थाना प्रभारी AK सेशा ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। स्कूल से घर आ रही थी तो 3 लड़के खड़े थे वहाँ की, जग माखन कुंदन और धर्मेंद्र सिंह। उन्होंने हमारा बैग छीन लिया और बोले कि हमारे गांव से कोई स्कूल जाता, तुम क्यों जाते हो स्कूल, तुम्हें भी नहीं पढ़ने देंगे हम। इतने में मेरा भाई आया, उसने देख लिया, उसने चिल्ला चोट करी और उसने हमें बचाया तो उसको तीनों ने मारा।